हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकरी पॉइंट। आज दोस्तों संडे है, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज है संडे और मेरे घर में सभी का बहुत मन कर रहा था कि कुछ हल्का बट टेस्टी खाया जाए। तो सभी की फरमाइश के अनुसार आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन पुलाव। तो सोयाबीन पुलाव बनाने के लिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्रेडिएंट भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगी ताकि जल्दी से हमारा पुलाव जो है बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुकर में लगभग 3 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डाला हुआ है। जैसे ही हमारा तेल जो है गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे राई 1 छोटी चम्मच और जीरा 1 छोटी चम्मच। हम फ्लेम को लो कर देंगे इस वक्त और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 3-4 तेज पत्ता। अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे। जैसे ये भून जाएंगे ऑयल में तो हम इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज। तो हमने इसे भी ऐड कर दिया। अब इसे भी हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा हमें, क्योंकि ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसे भूनने में ज़्यादा समय वैसे भी नहीं लगेगा। आप देख सकते हो जल्दी से प्याज जो है हमारा भून चुका है। जैसे ही प्याज भून जाता है तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के करीब सोयाबीन लिए हुए हैं। सोयाबीन को हमें गर्म वाटर में सोक वगैरह नहीं करना है, बस इसे धो लेना है हमें साफ 2 या 3 पानी से। तो मैंने ये धोकर इसमें सोयाबीन ऐड कर दिए है। अब हम इसे स्टर कर लेंगे। हमने इसे स्टर कर लिया है। हम एक एक करते हुए इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। तो 2 छोटी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। ये गरम मसाला होममेड है, इसकी रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 से 1.25 चम्मच के करीब, या फिर आप जितना तीखा खा सकते हो उतना आप इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करें। ये मैंने कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। इन सारी चीजों को अब ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सोयाबीन के साथ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सोयाबीन का पुलाव या सोयाबीन खिचड़ी या फिर सोयाबीन का राइस, आप कुछ भी कह सकते हो, इसे बहुत टेस्टी बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2 ग्लास चावल। तो उसी ग्लास से नाप कर मैं अब डालने वाली हूँ उससे 1.5 गुना तक के पानी। जबकि मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं तो 3.5 ग्लास 1.5 गुना हो जाएगा। तो उतना हम पानी इसमें ऐड करेंगे। पहले 1 ग्लास मैंने ऐड किया था, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब हम और 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। तो यूं हमने नाप कर पानी डाला है, इससे हमारे राइस जो है अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी चिपचिपे या फिर ऐसे कुछ नहीं होगा। यहाँ मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है चटनी का, उसमें मैंने 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा डाला हुआ है कूटकर, लहसुन की कलियां 7 से 8। यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाल दिया है। इन सारी चीजों को अब हमें एकदम फाइन पीस लेना है, चाहे तो आप इसे पानी डाल के भी पीस सकते हो। तो ये बहुत अच्छी तरह से पीस कर रेडी है फ्रेंड्स। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है चावल और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे ये रेसिपी मेरे दीदी की है तो उसने बनाए हुए ये चावल सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं। जब भी मैं मायके जाती हूँ तो दीदी से जितने दिन रहते हैं उतने दिन दीदी से 3 से 4 बार तो वो ज़रूर जिद करते हैं कि हम यही चावल खाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टीम राइस ले लिया है फ्रेंड्स। आप कोई भी स्टीम राइस यूज कर सकते हो, इससे चावल जो है बहुत ही खिले खिले बनते हैं। तो मैंने इसलिए स्टीम राइस लिया हुआ है, इसे मैंने धो लिया है। हमने जो चावल के लिए पानी चढ़ाया था वो पानी अब अच्छी तरह से उबलने लगा है। जब ये अच्छे से उबलने लगेगा तो हम इसमें ये जो अदरक लहसुन और हरे धनिये की पेस्ट बनाई है इस पेस्ट को ऐड कर देंगे। याद रखना है कि जब पानी उबलने लगता है उसी वक्त आपको ये पेस्ट ऐड करनी है, पहले या बाद में ऐसे नहीं चलेगा। अब ये पानी अच्छी तरह से उबल चुका है, हमने पेस्ट डालने के बाद इसे इतना उबला है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। सारे ही चावल हमें इसमें ऐड कर देने हैं। चावल डालने के बाद जब इस तरह से उबाल आता है तो हम इसे अच्छी तरह से नीचे से ऊपर से अच्छी तरह से हिला देंगे, ताकि अगर चावल नीचे बैठ गए हैं, कभी कभी लग जाते हैं,
इसलिए अब हम इसे इसी तरह से कुछ टाइम के लिए, मतलब थोड़ा सा पानी जो है इसका सूखने तक के, अब हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हो ये पानी काफी हद तक अब सोख चुका है चावल ने, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब हम घी ऐड करेंगे। अगर आप देसी घी पसंद करते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि पूरे चावल में घी की जो टेस्ट है वो आ जाए। अब चावल ने काफी पानी सोख लिया है, अब जरूरत है चावल को स्टीम देने की। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से एक बार यूं मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसके लिड को लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिड को लगा दिया है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। अब हम इसे लगभग 1 सीटी आने तक के इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि चावल हमारे बहुत अच्छे से खिले खिले बनकर रेडी हो। अभी 1 सीटी हो चुकी है फ्रेंड्स, तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इसी तरह से कुकर को रखेंगे जब तक कि विसिल जो है पूरा अपना अपने अंदर जो उसकी भाप है वो अपने आप से रिलीज नहीं हो जाती है, तब तक कि हम इसे इसी तरह से रखेंगे। तो ये अब हो चुका है, इसमें से पूरा गैस रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इसे खोलकर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये बन चुका है, दिख रहा है ना, एकदम अच्छा, एकदम टेस्टी। अब हमें इसे यूं नीचे से ऊपर तक पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इवनली सभी को सोयाबीन खाने को मिले। तो यूं हम मिक्स कर लेंगे और इसे डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। तो ये बने हैं हमारे परफेक्ट सोयाबीन खिचड़ी या सोयाबीन चावल या फिर सोयाबीन पुलाव, आप इसे कह सकते हो। ये बहुत ज्यादा सिंपल है बट बहुत ज्यादा टेस्टी भी होते हैं, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आप एक बार जरूर बनाकर देखिए। इसे पूरी प्रिपरेशन के साथ में सिर्फ आधे घंटे या 20 मिनट में, तो मैं तो 20 ही मिनट में बना देती हूँ, तो ये बनकर रेडी हो जाते हैं। खाने के लिए भी टेस्टी है, तो आप एक बार इसे जरूर बनाइए, आप खाइए, सबको खिलाइए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियोस बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही और डिलीशियस और जल्दी से बन जाने वाले रेसिपीज लेकर आऊंगी नेक्स्ट टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एंड एंजॉय।